हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत ट्रायल एंड एरर थ्योरी के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है, किसने दी, इसके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपसे एक निवेदन है कि चैनल पर लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत होती है। तो चैनल पर लाइव आकर आपके बहुत सारे ढेर सारे कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है, आपकी से विषय वस्तु से जो समस्याएं हैं उसको भी दूर किया जा सकता है। तो सारी विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए कि जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको आप एक बार अवश्य पूरा करें, ठीक है। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ लर्निंग में फर्स्ट थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी गई थी वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को हम क्या बोलते हैं? थॉर्नडाइक भी बोलते हैं, या कहीं कहीं बुक में आपको ईएल थॉर्नडाइक भी लिखा मिल जाएगा। ये क्या थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इनका जन्म अगस्त 13, 1847 में होता है और इनकी डेथ जो होती है अगस्त 9, 1949 में हो जाती है। ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, ठीक है। इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान होने के कारण इन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये एक टॉपिक आपको याद रखना जरूरी है, एक पॉइंट याद रखना जरूरी है। फादर ऑफ एजुकेशन मीन्स एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है। अगर थॉर्नडाइक के बारे में बात करें तो थॉर्नडाइक का जन्म जो है विलियम्सबर्ग में हुआ था, ठीक है, अगस्त 31, 1874 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी जिस जेम्स एंड कैटल की, और उससे ये बहुत प्रभावित हुए और एनिमल इंटेलिजेंस नाम की एक पुस्तक लिखी 1911 में, ठीक है। इन्होंने लगभग सभी जानवरों पर प्रयोग किया चिंपैंजी को छोड़कर, शायद चिंपैंजी उस समय ज्यादा महंगे रहे होंगे, तो इन्होंने काफी ज्यादा सभी जानवरों पर लगभग प्रयोग किया, ठीक है। यहां तक कि एक बार ऐसा भी आता है कि ये चूजों पर प्रयोग करते थे तो इनके लैंडलॉर्ड ने इनको क्या कर दिया था, इनके मालिक ने इनको निकाल दिया था कि यहां पर आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। फिर इनको और मनोवैज्ञानिकों से मदद मिली और इन्होंने अपना काफी सारा प्रयोग किया, लेकिन इनका जो सबसे ज्यादा प्रयोग चर्चा में रहता है, इनका जो सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं, वो इनका प्रयोग किस पर है? बिल्ली पर है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सा चर्चा में होता है? कैट पर। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। तो ये क्या है? ये मोस्ट मेटिकुलस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने पहली क्या किया? लर्निंग थ्योरी के बारे में सबसे पहले लर्निंग थ्योरी के बारे में चर्चा की, तो इन्होंने लर्निंग थ्योरीज के बारे में चर्चा की और बाकी बाद में सारे मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं की बातों को क्या किया है? आगे बढ़ाया है। 1949 में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक से संबंधित। इनका जन्म विलियम्सबर्ग में हुआ था 31 अगस्त 1874 में। ये एक पुस्तक पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने लगभग सभी जानवरों पर प्रयोग किया, लेकिन इनका सबसे ज्यादा प्रयोग जो चर्चा में है वो कैट पर है, ठीक है, ठीक है। इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी बोलते हैं और ये क्या है? लर्निंग थ्योरी सबसे पहले इन्होंने ही बताई थी। तो इसके बाद सारे लोगों ने लर्निंग थ्योरी में चर्चा की, फिर बाद में आपका इवान पी पावलोव की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, स्किनर की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। स्किनर ने क्या किया? इनके लॉ ऑफ इफेक्ट पर क्या किया और लॉ ऑफ इफेक्ट को आगे बढ़ाया, तो सारे लोग ने इनकी थ्योरी को। तो अगर एजुकेशन के क्षेत्र में लर्निंग की थ्योरी में सबसे पहला श्रेय जाता है तो किसको जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को जाता है।
चलिए अब इनकी थ्योरी की ओर चलते हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट क्या था कि लर्निंग इज द रिजल्ट बिटवीन एसोसिएटिव्स बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पांस, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पांस, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि अधिगम कैसे होता है, अधिगम किसके परिणाम स्वरूप होता है, जब स्टिमुलस, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या होती है, संबंध बनता है, तो हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। अब हम बात करते हैं उद्दीपक की बात, क्या उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक का मतलब जिसको हम देखकर क्या करना, कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, और उसको उस उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिस्पांस बोलते हैं। इनकी थ्योरी क्या थी, इनकी थ्योरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी थ्योरी में एक ये पजल बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को क्या नाम दिया गया, क्योंकि इसमें क्या था, एक पजल टाइप का था, इसलिए इस बॉक्स को हम क्या नाम देते हैं, थांडाइक पजल बॉक्स देते हैं। क्या नाम देते हैं, थांडाइक पजल बॉक्स नाम देते हैं। इस बॉक्स में कैसा एक अरेंजमेंट था, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था और ये लीवर रस्सी से या किसी चैन से इस प्रकार से बंधा हुआ था कि इस लीवर के दबते ही ये गेट क्या हो जाता था, खुल जाता था, ठीक है। तो इन्होंने कैसा अरेंजमेंट किया कि एक भूखी बिल्ली थी, ये कैट क्या है, ये भूखी बिल्ली है, ठीक है, ये भूखी बिल्ली है, इस बिल्ली को भूख लगी हुई है, ठीक है, और बाहर क्या दिख रही है इसको, एक मृत मछली दिख रही है, फिश इसको क्या कर रही है, दिख रही है इसकी फिश की जो सुगंध जो है इसको मिल रही है, ठीक है। तो इसको भूख लगी, भूख लगने के कारण क्या करती है, ये बार बार क्या करती है, गलत अनुक्रियाएं करती है, गलत अनुक्रिया करती है, एक बार गलती से पैर इसका क्या पड़ जाता है, लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा ये खुल जाता है और ये मछली को क्या कर लेती है, खा लेती है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा इसको बिल्ली को इस पिंजरे में बंद किया गया, ठीक है, फिर भूखी बिल्ली थी, उसके बाद फिर इसने क्या किया, कई अनुक्रियाएं की, कई प्रयास की और एक बार अचानक इस प्रयास में इस लीवर पर पैर पड़ जाता है तो ये दरवाजा खुल जाता है और ये क्या करता है, भूखी बिल्ली जो है मछली को खा लेती है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम में हमारे पास कितनी अनुक्रिया हुई, अगर इसने फर्स्ट टाइम में 100 बार अनुक्रिया की, गलत अनुक्रियाएं की, तो दोबारा इसकी क्या हुई, इसने गेट खोलने के लिए 80 बार ही गलत अनुक्रियाएं की। तो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रयास से, ठीक है, बार बार भूल करने से क्या होता है, बार बार प्रयास से क्या होता है, एक अधिगम आ जाता है। अब धीरे धीरे इसको कई चरणों के बाद यह आ गया कि लीवर दबने से क्या होता है, ये गेट खुलता है, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि बिल्ली को बंद किया जाता, जैसे इसको भूख लगती ये तुरंत ऑटोमेटिक लीवर पर अपना पैर रखती, गेट खुल जाता, मछली खा लेती, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्रयास, इसको हम क्या कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इनके इस प्रयोग को क्या कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, एवं भूल एवं त्रुटि का भी सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्योंकि बिल्ली ने क्या किया, कई बार प्रयास किया, कई बार त्रुटियां की और प्रयास एवं त्रुटि के कारण क्या हो गई, इसने अधिगम कर लिया कि इसका दरवाजा कैसे खुलता है, लीवर के माध्यम से कैसे खुलता है। आचार्य अब क्या करने लगी, एक ही बार में लीवर पर पैर रखती और भूखी मछली क्या जाती है, इसको मिल जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम एस आर थ्योरी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एस आर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। एस आर मीन्स क्या होता है, एस मीन्स स्टिमुलस एंड आर फिर रिस्पांस, तो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी इसको कहते हैं। क्योंकि स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस यहाँ पर उद्दीपक, उद्दीपक क्या है, ये जो मछली है, मछली की सुगंध क्या कर रही है, इसके लिए उद्दीपक का काम कर रही है और इसी उद्दीपक को देखकर ये बार बार क्या करती है, अनुक्रियाएं करती है, गलत अनुक्रियाएं करती है, इसलिए ये उद्दीपक को देखकर अनुक्रियाएं करती है। इसलिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, एसआर थ्योरी बोलते हैं या स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये बात हुई थांडाइक पजल बॉक्स के बारे में, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो इसको अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें तो इसको प्रोमिनेंटली नोन किसके जानता है, इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एस आर लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका कैट है, ठीक है। कर्ता कौन है, कौन सी क्रिया, कौन क्रिया कर रहा है, क्रियाएं कर रहा है, तो बिल्ली क्रियाएं कर रहा है, ठीक है। स्टिमुलस कौन से है, उद्दीपक का कौन सा काम कर रहा है, तो ये जो मरी हुई मछली है, जो मृत मछली है, किसका काम कर रही है, उद्दीपक का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर मोटिवेशन का काम, मोटिवेशन का भूख क्या, ड्राइव कौन है, तो ड्राइव क्या हो जाएगी, जो इसके बिल्ली को भूख लगी है इसके लिए क्या करती है, प्ररोध का कार्य करती है, ठीक है। दरवाजे का खुल जाना क्या होता है, इसके लिए मोटिवेशन का कार्य, मोटिवेशन का कार्य क्या होता है, दरवाजा खुलता है तो इसके लिए क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है।
तो इस प्रकार से यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, कैड, जो अनुक्रियाएं जो गलत अनुक्रियाएं कर रही हैं, ठीक है, ठीक है, किसको देख के कर रहे, स्टिमुलस को देख के कर रहे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी या एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन प्रयोगों के आधार पर इन्होंने क्या दिए, थार्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, इन्होंने कुछ सीखने के क्या दिए, नियम दिए, ठीक है। तो थार्नडाइक ने दो इन नियमों को कितनी कैटेगरी में बांटा, तो दो विभिन्न कैटेगरी में बांटा। पहला क्या बांटा इन्होंने, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, और दूसरा इन्होंने क्या बांटा, सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में बेसिकली तीन लॉ आते हैं, और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में इसमें कितने लॉज आते हैं, आठ लॉ आते हैं। तो इसकी सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की संख्या एट है, और प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग की संख्या कितनी है, तीन है। कौन कौन से लॉज इन्होंने दिए, तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस की हिंदी क्या होती है, तत्परता का नियम या तैयारी का नियम। तैयारी के नियम की अगर बात करें, तो यदि कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बालक है, उसको आप पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए, उसको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसको शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसको संवेगात्मक रूप से तैयार होना चाहिए। जैसे इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए क्लास फिफ्थ का बच्चा है, और उसको हम क्लास टेंथ की हिंदी सिखाना चाहें, तो हम उस बच्चे को क्लास टेंथ की हिंदी नहीं सिखा सकते, क्यों, क्योंकि वो बालक सीखने के लिए मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं है, ठीक है, संवेगात्मक रूप से भी तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, वो अपने घर की प्रॉब्लम से क्या है, परेशान है, तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या होना चाहिए, उस लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को सीखने के लिए, बालक को सीखने के लिए उसे तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ठीक है, उसे मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसे शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए, उसे भावात्मक रूप से तैयार होना चाहिए, उसे शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए, तभी वो बालक क्या कर सकता है, सीख सकता है। देन नेक्स्ट ना प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में नेक्स्ट लाइन उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ इफेक्ट, इफेक्ट मतलब क्या हो गया, प्रभाव का नियम। किसका नियम, प्रभाव का नियम। देखिए प्रभाव का नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम यह होता है कि यदि मान लीजिए आप कोई अनुक्रिया कर रहे हैं, उस अनुक्रिया के करने से, उस क्रिया के करने से यदि आपको क्या मिलता है, संतोष मिलता है, उस क्रिया को करने से आपको क्या मिलता है, संतोष मिलता है, तो आप उस अनुक्रिया को क्या करेंगे, बार बार करेंगे। या उस अनुक्रिया को करने से आपको कोई पुनर्बलन मिलता है, या उसको आपको कोई पुरस्कार मिलता है, तो आप क्या करेंगे, उस क्रिया को बार बार करेंगे। बट कोई ऐसी क्रिया है जिस क्रिया को करने से क्या मिले, आपको असंतोष होता है, ठीक है, आपका आपको अच्छा नहीं लगता, या आपको दंड मिल जाए, तो आप क्या करोगे, उस अनुक्रिया को नहीं करोगे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जिस काम को करने से हमें संतोष मिलता है, वो काम व्यक्ति बार बार करता है, पुनर्बलन मिलता है, तो वो व्यक्ति कार्य बार बार करता है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा है, वो फर्स्ट क्लास आ रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, और हम उसको बार बार क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, बार बार फर्स्ट आने का प्रयास करेगा। यदि बच्चा कोई गलती करता है, तो हम उसको क्या करते हैं, वो दंड देते हैं, ठीक है, उसको कोई दंड देते हैं, तो क्या करेगा, वो बालक उस अनुक्रिया को दोबारा नहीं करेगा, ठीक है। तो संतोष, दंड का जो प्रावधान था, पुनर्बलन और दंड का प्रावधान, ऐसा नहीं है कि ये शब्द पहले प्रचलित नहीं थे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, थार्नडाइक ने ही किया। तो पुनर्बलन और दंड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, थार्नडाइक ने ही किया। देन थर्ड हम इसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स क्या है, अभ्यास का नियम। जैसे किसी चीज को आप क्या करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, वो चीजें आपको याद रहती हैं। तो यहाँ पर दो नियम और होते हैं, एक होता है यूज और एक होता है नो यूज, ठीक है। अगर किसी चीज को आप बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी क्या होती है, स्मृति में रहती है। बट अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसका कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका बार बार प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी स्मृति से क्या होती है, चली जाती है। जैसे सपोज करिए आप कितने भी अच्छे टीचर हो, या आप कितने भी अच्छे लर्नर हो, और आपको बहुत अच्छी मैथ आती हो, ठीक है, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, या जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपको मैथ में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, आप मैथ बहुत आसानी तेजी से कर लेते हो,
बट अगर दो साल के लिए आप क्या कर दो, मैथ लगाना छोड़ दो, आपके यूज में ना रहे, तो दो साल बाद आपको कोई अगर मैथ आपसे पूछेगा तो आप उस मैथ को अच्छे से नहीं, उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से आप उस समय कर ले रहे थे। तो ये क्या है आपका लाफ एक्सरसाइज, क्योंकि अब दो साल से क्या है वो मैथ आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। तो यहाँ पर ये यूज का है, ये यूज हो गया, और अगर नो यूज होगा, यूज में रहेगा तो वो आपको चीजें याद रहेंगी, आपकी मेमोरी में रहेंगी, बट अगर नो यूज है तो आपकी चीजें वो मेमोरी में नहीं रहेंगी। तो ये क्या है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे समझने के बाद में हम समझते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट का लॉ भी थॉर्नडाइक ने दिया था, उसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तो आइडेंटिकल लॉ ऑफ एलिमेंट ये था कि यदि आपकी शिक्षा में कोई आइडेंटिकल चीजें क्या है, आपकी आइडेंटिकल कोई समान चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आइडेंटिकल चीज का मतलब आप मान लीजिए कोई आपने बाइक सीखी हुई, साइकिल सीखी हुई, आपने क्या सीखा हुआ है, कोई साइकिल सीखी हुई, तो साइकिल को सीखने में कैसे साइकिल को बैलेंस करते हैं, कैसे हैंडल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ज्ञान क्या है आपको है, ठीक है। अगर आपको बाइक ला के दे दिया जाए, आपको साइकिल जो सीखा है बंदा, अगर उसको बाइक सिखाया जाए तो बाइक वो क्या कर जाएगा, आसानी से सीख जाएगा, क्योंकि साइकिल के कुछ नॉलेज जो हो जाएंगे वो आइडेंटिकल है, ठीक है, जो उसको बाइक सीखने में क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो ये भी नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, लॉ ऑफ आइडेंटिकल, ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने तीन प्रकार की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बताई थी, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है कि जिसमें पूर्व ज्ञान आपको कोई नया ज्ञान सीखने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। जैसे साइकिल आपका आपने चलाना सीखी है और आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो साइकिल वाला ज्ञान आपको बाइक चलाने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। या मान लीजिए आप संस्कृत का हिंदी का व्याकरण सीखे हुए हैं, हिंदी ग्रामर सीखे हुए हैं, आप संस्कृत की व्याकरण सीखना चाहें तो आपको क्या करेगा, हिंदी की व्याकरण संस्कृत व्याकरण सीखने में कुछ ना कुछ हेल्प अवश्य करेगी। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें तो जो आपका पूर्व में सीखा ज्ञान होता है वो नए ज्ञान को सीखने में क्या करता है, आपकी मदद नहीं करता बल्कि बाधाएं उत्पन्न करता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये निगेटिव क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने हीरो की बाइक ली थी या हांडा की बाइक ली थी, तो उसमें गियर कहां पर लगता है, पीछे की ओर लगता है। बट अगर बजाज की बाइक आप ले लीजिए तो वहां पर गियर क्या लगता है, आगे की ओर लगता है। तो ये जो हीरो या हांडा वाली बाइक में आपने सीखा है गियर मैकेनिज्म, वो बजाज की बाइक में आपके लिए क्या करती है, इंटरप्ट क्रिएट करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर हम जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करें तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान ना तो आपका नया ज्ञान सीखने में कोई मदद करता है और ना ही कोई हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आप साइकोलॉजी का नॉलेज दे रहे हैं और आपको संगीत सीखना है, तो साइकोलॉजी का नॉलेज ना तो संगीत सीखने में आपकी कोई हेल्प करेगा और ना ही संगीत सीखने में आपके लिए कोई बाधा ही उत्पन्न करेगा। तो इसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, तो सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में इन्होंने एट लॉ दिए थे 1898 में, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रेसिडेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो कहने का मतलब लॉ ऑफ प्राइमेसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी कार्य करने के लिए आपकी जो बिगनिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बिगनिंग अच्छी है तो आपका अधिगम भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो आपकी क्लास जो आप स्टार्ट करते हैं वो क्लास आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको रिव्यू अच्छे से लेना चाहिए, आपको मोटिवेशन अच्छे से देना चाहिए। लॉ ऑफ रेसिडेंसी का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रेसिडेंसी का मतलब है रिवीजन, बार बार जो चीज आपने सीखा है आपको उसका क्या करना होगा, बार बार आप उसको रिवाइज करेंगे, तो उसको बार बार आपको क्या करना होगा, आपको उसको बार बार रिवीजन करना होगा, ठीक है। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा आपको जरूरत होगी, उतना ही ज्यादा आप क्या हो पाएंगे, उस चीज को पाने के लिए मदद क्या करते हैं, क्रियाएं करेंगे।
ठीक है, लॉ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, किसी चीज को पाने के लिए, जैसे आपको मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि हमें नौकरी लेना है, ठीक है, पुलिस में नौकरी लेना है या जीडी में नौकरी लेना है, ठीक है, हमको इस बार कंपटीशन बेट करना है, तो आप उस काम को करने के लिए, उस सफलता को हासिल करने के लिए कई अनुक्रियाएं करेंगे, ठीक है, आप कहीं अदर कोचिंग ज्वाइन करेंगे, कहीं अदर का सेट भी ले सकते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करेंगे। लॉ सेट आर एटीट्यूड, ठीक है, आप किसी चीज को सीखने के लिए आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आप उस के लिए कि मानसिक रूप से कितना तैयार है, यदि आप उस चीज को सीखना चाहते हैं तब तो अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे आप सीटीआई करने आए हैं, तो आप अगर सीटीआई अपने मन से करने आए, उसके प्रति आपका एटीट्यूड अच्छा है, तो आप सीटीआई में अच्छा सीख पाएंगे। बट अगर आप अपने माता पिता के कहने से आए या गुरु के कहने से चले आए हैं, ठीक है, मात्र चले आए हैं, तो आप वहां पर आपका उसके प्रति उतना अच्छा एटीट्यूड नहीं है और आप सीख नहीं पाएंगे। देन लॉ एनोलॉजी एंड एसिमिलेशन, जो चीज आपकी समान चीजें को क्या किया जा सकता है, आसानी से सीखा जा सकता है, ठीक है। लॉ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब होता है कि स्टिमुलस को हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उस प्रयोग में क्या था, भूखी बिल्ली थी, तो भूखी बिल्ली को हमने क्या सिखा दिया, भूखी बिल्ली को हमने सिखा दिया कि लीवर को दबाने से क्या खुलता है, दरवाजा खुलता है, ठीक है, और मछली मिल जाती है, ठीक है। बट अगर हम स्टिमुलस को क्या कर दें, शिफ्ट कर दें और मछली को थोड़ा सा और ऊपर कर दें, तो अब बिल्ली क्या हो सकती है, स्टिमुलस को शिफ्ट करने से बिल्ली थोड़ा सा स्टैंड होना सीख जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम उद्दीपक को शिफ्ट करके बालक को और भी कई ज्ञान दे सकते हैं। देन लॉ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाना चाहिए, पार्ट में करके सिखाना चाहिए, ठीक है। जो किसकी थ्योरी, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत था, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कोहलर ने क्या बताया था, कोहलर ने ये बताया है कि व्यक्ति एकाएक सीखता है, लेकिन ये थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या कहती है, लॉ पार्शियल एक्टिविटी, कि आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, पार्ट पार्ट में चीजें करके सिखाएंगे। तो ये हमारी क्या है, लॉ पार्शियल एक्टिविटी। तो ये हमारे रूल्स थे थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ आपके तीन होते हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट बात करते हैं तो सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में बात करते हैं, तो लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रेसिनेसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, लॉ ऑफ सेट आर एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी आर एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। देन अगर हम बात करते हैं तो इसका हम एजुकेशनल में इम्प्लीमेशन कैसे करते हैं, तो एजुकेशनल इम्प्लीमेशन की अगर बात करें तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी चीज को माइंड में रखने के लिए रिविजन करना होगा, बार बार उसकी क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आपको उस चीज को सीखने के लिए क्या करना पड़ा, आपको रेडीनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है, चीजों को पार्ट्स में करके सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि सारी चीजें क्या है, ऑब्जर्व के द्वारा सीखी जा सकती हैं, तो ऑब्जर्वेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिकल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये हमारा क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है किसका, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सिद्धांत का, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इवान पी पावलोव के बारे में बताएंगे और उनके सिद्धांत की या उनके प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम एक बार आपसे फिर निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपका पूरा कोर्स एक निश्चित क्रम में कंप्लीट करा सकें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।